कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मेवाराम जैन जिंदाबाद, मेवाराम जैन जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एमएलए साहब, अरे बीच में आगे रहो, एक घंटा रहा है। एमएलए साहब, एक घंटा मुंडो ये रखे थोड़े बीच में, अंदर काटो, बीच में अंदर काटो। एमएलए साहब लो, हर रोज थोड़ी है। चल बंद करो, हलचल बंद करना थोड़े आगे। लोकतंत्र की जीत हुई है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को हत्या करने की जो साजिश रची थी, और उन्होंने जो कर्नाटक में जो ये भारतीय जनता पार्टी को राज्यपाल ने बुलाकर और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करनी चाहिए थी, सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और वहाँ के पार्षदों ने या एमएलए ने मिलकर और जिस तरह से एकजुटता दिखाई और भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया कि लोकतंत्र सच जीत हमेशा सच्चाई की जीत होती है, और उन्होंने विधानसभा के अंदर वो करके दिखाया कि कांग्रेस और जेडीएस के जितने भी विधायक थे सब मजबूत रहे, और उसमें हमारे वहाँ राहुल गांधी जी ने जो हमारी टीम भेजी थी, अशोक जी और गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने वहाँ मजबूती के साथ वहाँ रह के और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई, और जो ये इस तरह का जो दुस्साहस किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जो लगातार ये इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे थे, ये उनको आईना बता दिया कि किस तरह से। ये जीत किसकी मानते हैं आप? ये लोकतंत्र की जीत, कांग्रेस और सच्चाई और ईमानदारी की ये जीत है, और इसका श्रेय कर्नाटक के जनता को जाता है, हमारे नेताओं को जाता है कि वास्तव में जो इस तरह से जो लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे थे वो नहीं होने दी। और कर्नाटक के जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर राजस्थान में कुछ प्रभाव पड़ेगा? इस बहुत ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में ये प्रभाव पड़ेगा इसका। अब आने वाले समय आप देखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी दुर्गति होगी, क्योंकि जनता जान गई है झूठे वादे और भ्रष्टाचार खरीद फरोख्त के माध्यम से ये सरकार में आना चाहते थे, और इनको इन्होंने रोक दिया और इनको बता दिया कि जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। सर, देश दुनिया के अगर राजनीति की बात खत्म हो गई तो बाड़मेर की अगर नगर परिषद की बात करें, वहाँ पर झगड़ा कब खत्म होगा, पार्षदों का धरना कब उठाया जाएगा? अभी तक तो ये सभी लोग गिरते हुए, आज तो मिठाई, क्योंकि कल के दिन बाड़मेर नगर परिषद के सभापति कल के दिन अपन बात करेंगे, उसमें आपको मैं कल प्रेस